साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार प्रभास ने अपनी अगली फिल्म कनप्पा की शूटिंग शुरू कर दी है। ये फिल्म काफी समय से चर्चा में है और फैंस को इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। और आज फिल्म से प्रभास का पहला पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है। हालांकि पोस्टर में प्रभास के चेहरे को नहीं दिखाया गया है, जिससे फिल्म को लेकर रहस्य बरकरार है। फिल्म में अक्षय कुमार अपने हिस्से की शूटिंग कर चुके हैं और अब बारी है प्रभास की। प्रभास अपनी आने वाली फिल्म कल की 2898 AD को लेकर बिजी है और अब उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म के लिए समय निकाला है और कनप्पा के शूटिंग सेट पर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, प्रभास अब कनप्पा की शूटिंग शुरू कर चुके हैं। इसकी घोषणा खुद विष्णु मांचू ने की है। इसके साथ ही उन्होंने प्रभास के लुक को लेकर भी फैंस के साथ बड़ी जानकारी शेयर की। विष्णु ने अब अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर घोषणा की है कि पैन इंडिया स्टार प्रभास इस पौराणिक फैंटेसी ड्रामा की शूटिंग में शामिल हो गए हैं। प्रभास के पैरों को प्रदर्शित करने वाले एक प्री लुक पोस्टर का अनावरण किया गया। प्रभास के लुक की छोटी सी झलक दी गई है, जिसमें उनके पैरों की झलक है। ये प्रभास के सभी फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है। हालांकि प्रभास की भूमिका के बारे में जानकारी सीक्रेट रखी गई। इससे पहले विष्णु ने बताया था कि अक्षय ने शूटिंग पूरी कर ली है। साथ ही उन्होंने अक्षय के साथ फिल्म में काम करने का अनुभव भी शेयर किया था और अक्षय के साथ अपनी तस्वीर भी शेयर की थी। वहीं प्रभास के किरदार को लेकर खबर है कि वो फिल्म में कैमियो रोल निभाएंगे। प्रभास फिल्म में नंदी की भूमिका निभाते नजर आएंगे। पहले उनके भगवान शिव की भूमिका निभाने की चर्चा थी, लेकिन वो पहले से ही कल की 2898 AD में इस किरदार को निभा रहे हैं, तो ऐसे में वो किसी भी तरह का दोहराव नहीं चाहते हैं। फिल्म कनप्पा को लेकर खबर है कि ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म होगी। फिल्म हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 6 भाषाओं में रिलीज होगी। हालांकि फिल्म की रिलीज डेट का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। वैसे क्या आप इस मूवी के लिए एक्साइटेड हैं? कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।